प्यारे मित्रों, आज हम आपको ड्रिप इरिगेशन से संबंधित जानकारी देने जा रहे हैं, जिसे हिंदी में बूंद बूंद कृषि पद्धति भी कहा जाता है। आप देख पा रहे हैं इस खेत में ये पतली पतली नालियां बिछी हुई हैं, दो दो तीन तीन फुट के गैप के ऊपर। अब इस इरिगेशन सिस्टम से ही ये फसल तैयार की गई है, जो कि अरंडी की फसल है। इसमें के अंतर्गत खेत में पतली पतली नालियां बिछाई जाती हैं और उन नालियों में के माध्यम से पानी इनके बारीक छिद्रों से होते हुए पेड़ की जड़ तक पहुंचता है। और इसके साथ साथ ये तकनीक उन क्षेत्रों में ज़्यादा कारगर है जहां पर पानी का सर्वथा अभाव है, वह वाटर टेबल बहुत नीचे चली गई है। अब ये जो फसल आप देख रहे हैं, ये अरंडी की फसल है, जो रेतीले प्रदेश में विकसित की गई है, बोई गई है। और ये अरंडी की फसल एक बार बोने के बाद 3 साल तक चलती है। इसमें अरंडी के गुच्छे तैयार होते रहते हैं, किसान उनको काटकर अलग रखते रहते हैं, उसका स्टोरेज करते रहते हैं। और इसका जो बाज़ार में किसान को जो भाव अब मिल पा रहा है, वो 4,500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मिल रहा है। और ये लगभग 1.5 एकड़ फसल बोई गई है, जिसमें किसान का अनुमान है कि इसमें 1.5 लाख की उनको अपना खर्चा निकालने के बाद बचत हो पाएगी, क्योंकि इस 1.5 एकड़ में लगभग 80 क्विंटल जो है अरंडी प्राप्त होगी। और ये अरंडी का हाइब्रिड बीज है, कोई स्वतः या कोई जिसे अपनी देसी भाषा में राना बीज कहते हैं वो बीज नहीं है, ये हाइब्रिड फसल है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। और इसमें काफ़ी 4-4 फीट के बाद अरंडी की रोज बोई जाती हैं। और जो मूल तकनीक जिसने ये चमत्कार कर दिखाया है, वो है ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, जिसमें खेत में दो दो तीन तीन या 4-4 फीट की दूरी पर लाइनें बिछा दी जाती है, पतली पतली लाइनों की, ठीक उसी तरह जिस तरह पाइपलाइन लगाई जाती है। और उसके अंदर प्रत्येक फुट के बाद एक छिद्र होता है, जो एक एक बूंद पानी पौधे की जड़ों में डालता है, जिससे पौधे को न्यूट्रिशन और पानी आर्द्रता की प्राप्ति होती है। और ये फसल इसी इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का परिणाम है, जो परिणति में बदलने जा रही है। आप देख रहे हैं, किसान भाइयों के लिए ये तकनीक काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकती है। मुझे ये तकनीक देखने को मौका मिला तो मैं बहुत अभिभूत हुआ व प्रभावित हुआ।